प्यार है ही जीटी, जब से आई है तब से साला दिल इसी पे आया है। इतने लल्लन टॉप से मौसम में इतनी चौकस सी रोड पे मिस्टर क्लीन रोल करते हुए, बाकी टांगों के बीच में भाई गर्मी की कमी नहीं रहेगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग ऑफ डेट सीरीज। आई एम योर होस्ट अक्षय। इन दिस ब्लॉग आपका सपोर्ट हमारा विस्फोट, और अभी हम चलाने जा रहे हैं रॉयल इनफील्ड की सुपर बाइक। फाइनली जीटी हाथों में है और अभी हम चला के प्रॉपर फील देंगे रियल लाइफ क्या फील आती है जीटी की। तो सबसे पहले लुक, भाई लुक इनसेन है। जो प्रोफाइल आती है मिस्टर क्लीन की कंपनी से आने के बाद वो कुछ ऐसी आती है। जितना मजा धीमे चलाने में आता है ना, कि जब आप ऐसा एकदम 30 40 50 60 पे क्रूज कर रहे हो और लोगों की नजरें पड़ती, तो जो मस्त सा रिएक्शन आता है वो देख के इधर सुकून आता है। आहा हा, इतना सुकून। लुक के बाद आते हैं पोस्चर। इस पे बैठने के बाद ऐसा लगता है कि चढ़ा दें किसी पे। जस्ट किडिंग भाई, मतलब एकदम स्पोर्टी सा पोस्चर आता है। मन करता है बस थ्रोटल ऐसे खींचें। जैसे ही आप थ्रोटल पे हल्का सा खींचते हैं ना, इंजन से जो वापस रिस्पॉन्स मिलता है भाई साहब, क्या लल्लन टॉप मिलता है। और बाकी इसका ये कलर मिस्टर क्लीन, इसकी तो बात ही अलग है। सब में एलॉयज आते हैं लेकिन इसपे स्पोक व्हील्स ही अच्छे लगते हैं। बाकी जब आप कैमरे से शूट करते हो तो पॉइंट ऑफ व्यू आता है कुछ ऐसा प्रॉपर रेट्रो स्टाइल। अगर मेरी पसंद की बात करो तो आई लव रेट्रो स्टाइल। इनको थोड़ा सा भी रेट्रो स्टाइल पसंद है, विंटेज लुक पसंद है, उनके लिए ये बवाल गाड़ी है। पावर की कोई कमी नहीं भाई, ट्विन सिलेंडर 650 सीसी इंजन नेक्स्ट लेवल। और कंपनी से जितना कुछ मिलता है वो सब ऐसा ही है, अभी नेचुरल है ये, इस पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। तो पावर परफॉर्मेंस सबको पता है भाई रॉयल एनफील्ड की है। हाँ, इंजन की बात करें तो नॉर्मली जैसा टिपिकल इंजन रॉयल एनफील्ड में आता है वाइब्रेशन वाला, वैसा इसमें एक पैसे का सीन नहीं। इतनी स्मूथ चलती है ये। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। इतनी स्मूथ चलती है ये, इसको सुपर बाइक कहनी चाहिए। और ये सुपर बाइक है मेरी नज़रों में भाई, सुपर बाइक है। रियर ब्रेक जो है वो लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा जब आप ब्रेक लगाते हो, क्योंकि 2 क्विंटल की गाड़ी है ये। जिनको हैवी बाइक्स चलाना पसंद है ना, उनके लिए वरदान है। स्पीड, टॉर्क, पावर कोई कमी ही नहीं। मतलब बस थ्रोटल आपको ऐसे देना है, पीछे वाला भाई साहब गिर जाएगा। खाली थ्रोटल देना है इसे, पीछे वाले भाई साहब ऐसे पीछे को उलटते हैं। अभी विपिन पीछे बैठा है, हमने उसको बता रखा है पकड़ के बैठो भाई, हम कभी भी थ्रोटल खींच सकते हैं। बाकी लुक वाइज तो एकदम लल्लन टॉप है। बात करें अगर डिसएडवांटेज की, तो हमको खाली दो ही लगी। एक जो भाई इसका इतना हैवी इंजन है, तो ये टांगों के बीच में ना भयंकर गर्मी रहती है। ठंडक में तो बेस्ट है लेकिन गर्मी में नरक हो जाएगा। पोस्चर ऐसा है कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है जिन्होंने स्पोर्ट्स बाइक नहीं चलाई है। बाकी धीरे धीरे यूज टू हो जाओगे। कलाइयों पे थोड़ा सा जोर पड़ता है जब आप इसको राइड करते हो, क्योंकि आपका पोस्चर जो है थोड़ा सा आगे झुक के अग्रेसिव सा है। और पिकअप की तो क्या ही बात करें। ओ भाई साहब, अभी हैंडरेड टच कर गए, बिल्कुल पता ही नहीं चला। मतलब राइड टू फन है, आप राइड करो, आपको जो मजा मिलेगा किसी रॉयल इनफील्ड में नहीं मिलने वाला है। अभी हम वेट कर रहे हैं हिमालयन 450 का। अगर वो आती है, समझ में आती है, तो वो उठाते हैं। अगर वो नहीं आती है तो भाई इस पे तो अपना दिल है ही। फिलहाल ये दीक्षांत की बाइक है, वो कल ही लेके आया। हैप्पी फॉर हिम। सीट को लेके थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रहे, टूरिंग सीट जबकि लगी हुई है। मेरी हाइट ऑलमोस्ट 6 फीट के आसपास है, लेकिन सीट पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। अब पता नहीं क्यों, मेरी आदत नहीं है इस वजह से या जो भी। अभी आगे चल रहा है अनुराग, पीछे ओला आ रही है अपनी, बीच में जीटी चल रही है। इतना रिफाइन इंजन है कि भाई वाइब्रेशन, मतलब जिस चीज के लिए बदनाम है ना रॉयल इनफील्ड की वाइब्रेशन, अभी देखो मिरर पे इतना सा वाइब्रेशन नहीं। इन फ्यूचर ये अपने घर में होगी। हिमालयन 450 को आने दे सर, देन आफ्टर डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। बताना कैसा लगा, कैसी लगी फील, कैसा लगा पॉइंट ऑफ व्यू। और बाइक अभी आप ही फील कर रहे हो कैसे चला रहे हैं हम पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू। अभी अनुराग जा रहा है फील लेने जीटी की, हालांकि चला नहीं पाता है। भाई लोग ऐसा ओला पे मीम प्ले कर रहे हैं, तो फोन वोन वही मांग रहे थे, मेरा कनेक्ट था। अनुराग कैसी लग रही जीटी पीछे बैठ के? पीछे बैठ के कंफर्टेबल है अनकंफर्टेबल? क्या मस्त सी फील आती है भाई। टूरिंग नहीं कर सकते, टूरिंग करने के लिए इस पे इंटरसेप्टर वाला हैंडल लगवाना पड़ेगा, वो थोड़ा सा ऐसा ऊंचा होता है तो उस पे थोड़ा कंफर्टेबल रहेगी। और बाकी वॉबलिंग इशू तो अभी इसको हम हाई स्पीड पे भगा नहीं सकते, क्योंकि इसकी अभी सर्विस नहीं हुई है। बाकी भाई अटेंशन सीकर तो है, मतलब किधर से भी आप लेके निकल जाओ लोग ऐसा मुड़ मुड़ के देखते हैं। दैट्स द रीजन कि इसको अभी हौले हौले साजना, स्लोली स्लोली चलाना पड़ेगा। बाकी टांगों के बीच में भाई गर्मी की कमी नहीं रहेगी। इसकी जब 500 किलोमीटर के बाद सर्विस हो जाएगी ना, तो थोड़ा सा हीट वाला इशू कम हो जाएगा।
और एक चीज की कमी हमको इसमें लगी कि गियर पोजीशन नहीं बताता। और माइलेज की बात करें तो माइलेज भाई सिटी में 20 का पकड़ लो आप, हाईवे पे जा रहे हो खींच के चला दिया तो 25 का मान लो, 27-27। और हमको नहीं लगता इतना बड़ा इंजन होने के साथ में ये कोई बुरा माइलेज है। फील लेना है भाई तो माइलेज भूल जाओ। थ्रोटल रिस्पॉन्स तो क्या जबरदस्त है, बस खाली हल्का सा पुश देना है और गाड़ी हवा। ऐसा लगता है कि बस रोड पे हेलीकॉप्टर लेके चल रहे, हवा में नहीं चल रहे, रोड पे हेलीकॉप्टर लेके चल रहे। इसमें जो लाइट्स आती है ना वो भी एलईडी कहती है भाई, हमको धीरे धीरे याद आता जा रहा है तो इसलिए हम धीरे धीरे बताते जा रहे हैं। प्यार है ही जीटी, जब से आई है तब से साला दिल इसी पे आया है। पहले इंटरसेप्टर पे दिल आया था, उसके बाद जब से ये आई है तब से दिल इस पे आया। लेकिन अपना पर्पस देखना पड़ता है, ना पैसा हो तो कोई भी उठा लो, लेकिन जब पर्पस वाइज देखना पड़ता है तो यही होता है कि भाई थोड़ा सा हिमालयन 450 आने तो देख लेते हैं, आफ्टर डिसाइड करते हैं कि क्या कैसे करना है। और हाईवे क्रूज करने के लिए आप एक बार में मार सकते हो, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना लंबा स्ट्रेच ले सकते हो। मेरे केस में हम इसको 150 किलोमीटर एक स्ट्रेच में मार सकते हैं आराम से, क्योंकि भाई थोड़ा सा कीड़ा होता है ना बाइकिंग का तो जिसके अंदर वो कीड़ा होगा वो ज़्यादा भी कर सकता है। और मेरे सीन में हम इसको एक बार में 150 आराम से खींच सकते हैं। इतने लल्लन टाप से मौसम में इतनी चौकस सी रोड पे मिस्टर क्लीन रोल करते हुए ज़बरदस्त से ये ब्लॉग करते हैं ये पे ख़त्म। अगर अभी तक ये ब्लॉग देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल डेट सीरीज से कनेक्टेड ट्यून फॉर मोर न्यू ब्लॉग। और एक चीज़ और हमें बता देना जीटी से और क्या रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो ये चीज़ हमको बता दोगे तो हमको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हाँ लोग क्या पूछना चाह रहे हैं और हमको क्या बताना है, उनको कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है।